प्रभु श्री कृष्ण के मक्की से माखन चुराने तक से कालिया नाग के ऊपर मर्दन करने से लेकर दोस्तों गोपियों के कपड़े चुराने तक सब इस पर लीला बनाया गया है। भाई लोग अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर जाएंगे तो फाइनली पहुंच गए हम काठियावाड़ के आश्रम पर। देख सकते हैं अब हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस आज हम जाएंगे त्रिपुरा के अंदर स्थित काठिया बाबा के आश्रम पर। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आश्रम और बहुत ही सुंदर है और हम जाके देखेंगे हमें परमिशन मिलता है कि नहीं अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके लिए हमने हमारे साथ एक गुरुजी को भी ले लिया है साथ में। तो गाइस देख सकते हैं इन फ्लावर्स को, ये फूल दोस्तों एक खास तरह के फूल है जो इस आश्रम के यहीं पर ही मिलेगा, इस इलाके पर ही मिलेगा। आप लोगों को देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है फ्लावर। तो गाइस जैसे कि बताया खास तरह की एक फूल है, एक खास तरह की प्रजाति का, ये सिर्फ इसी सीजन में आपको दुर्गा पूजा के समय में ही दिखने को मिलेगा, बहुत सुंदर। और इसकी सेंट जो है तो गाइस देख सकते हैं रोड की चारों तरफ आपको सिर्फ बड़े बड़े घने जंगल दिखेंगे। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर मतलब घर तो एक भी घर नहीं था, बहुत बड़ा जंगल था यहाँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पहाड़ों के ऊपर भी घर है, देख सकते हैं बहुत सारे घर पहाड़ों के ऊपर भी दोस्तों बनाया गया है चारों तरफ। देखिए और होटल देख सकते हैं, बहुत सारे होटल है चारों तरफ। तो गाइस कुछ देर बाद ही हम पहुँच जाएंगे जाके उस आश्रम पर, काठिया बाबा आश्रम पर। और अंदर जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा, देख सकते होटल भी है यहाँ पर, ये देख सकते यहाँ का निराला, ये यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है, देख सकते यहाँ पर बहुत ही फेमस है। तो गाइस अभी हम एक ऐसी हाई जिसकी मतलब जोन पर, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी एक्सीडेंट होती रहती है आए दिन, देख सकते यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं पूरे चार चार रोड एक साथ मिला हुआ है, देख सकते। तो गाइस अभी हम हैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च कॉम्प्लेक्स के सामने, देख सकते ये देख सकते ठीक मेरे पीछे ही है वो कॉम्प्लेक्स, रिसर्च कॉम्प्लेक्स। तो गाइस अभी हम काठिया बाबा आश्रम की नज़दीक तक पहुंच गए हैं और बस कई मीटर चलना है, कुछ मीटर चलने के बाद ही हम पहुंच जाएंगे काठिया बाबा आश्रम के सामने। और देख सकते हमसे ज़्यादा दूर नहीं, सामने ही दिखाई दे रहा है लाइट यहाँ का, देख सकते ये देखिए और यहाँ पर लिखा भी है। तो गाइस देख सकते हमारे सामने है काठिया बाबा का आश्रम और हमारे यहाँ पर अब हम आपको छोटा मोटा यहाँ पर शिव मंदिर भी दिखाई दे रहा है, शिव जी का यहाँ पर दोस्तों पूजा होता है यहाँ पर, देख सकते यहाँ पर शिवलिंग भी, और साइड में देख सकते कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ कितने बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग है यहाँ पर, रोड के आपको साइड में मिलेगा देख। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक भंगार वाला अपने रिक्शा को थमा कर दोस्तों यहाँ पर जो है तांबे को जला रहा है, नीचे के हिस्से पे जला रहा है ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई गिर गया है ना गाइस तो इसके चमेली के आश्रम पर आ है यहाँ पर, यानी कि हम पहुँच गए हैं सीधा काठिया बाबा के आश्रम तक। और अब हम अंदर जाएंगे, हमें यहाँ पर मतलब परमिशन मिलता है कि नहीं ब्लॉग बनाने का, पहले परमिशन ले लेंगे परमिशन। देखिए गाइस इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, हम पहुंच गए हैं वही महान आश्रम पर जो दोस्तों अगरतला पर मतलब त्रिपुरा स्टेट के अगरतला पर ही मौजूद है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं ये देखिए काठिया बाबा में शेर को देखिए, बहुत ही भयानक लग रहा है मेरे लिए। और गेट देख सकते कितना विशाल का गेट है। अब बात यह है कि हमें अंदर जाने के लिए देंगे कि नहीं, हम परमिशन पहले लेंगे, कैसे लेंगे अंदर जाके। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े जो है ज्ञानी व्यक्ति है और पंडित भी है, तो हम परमिशन कैसे लेंगे वही सोच रहे हैं। पर हमारे साथ दोस्तों एक और भी वैष्णव है, उस वैष्णव के साथ हम जाएंगे जो हमारी मतलब पहचान के, देख सकते हम अंदर घुस रहे डर के बिना डरे। तो गाइस अंदर तो घुस गए पर बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है, हम परमिशन ले तो किससे जाके ले समझ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, हमारा लाइट भी यहाँ पर दोस्तों कम पड़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ यहाँ पर घर दिख रहा है मुझे, मंदिर दिख रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ जो मुच्छा रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ गया है वो देखिए कितना बड़े बड़े, ओ ये जानवर यहाँ बैठ मतलब ये मेरा दोस्त है तो यहाँ बैठा है कदम के जले, अबे जा। तो देख सकते हैं गाइस ये दोस्तों फ्रस्ट्रेट हो गए इतने चल के, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, वो क्या प्रभु तो अंदर ऐसे ही चल दिए, परमिशन वगैरह तो लिया ही नहीं, देख सकते ये देखिए प्रभु का मतलब विष्णु कृष्ण जी का यहाँ पर सारे अवतार है यहाँ पर, ये देखिए अंदर कोई दिख रहा है मुझे। तो अभी हम अंदर जाएंगे हम परमिशन लेने के।
तो गाइस मेरी नज़र में जो चीज़ पड़ा है ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है। मैंने चारों तरफ जहाँ भी देखा तुलसी का पौधा है। वैसे भी कृष्ण पूजा में दोस्तों तुलसी का पौधा के बिना यहाँ पर नहीं होता। और हमें अंदर आने के लिए मतलब चेक किया था कि गले में तुलसी का माला है कि नहीं। अगर तुलसी का माला नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, पर आ सकते। पर तुलसी का माला देना ज़रूरी होता है इस मंदिर पर आने के लिए, देख सकते हैं। वैसे सब आ सकते हैं इस मंदिर। ये देखिए अंदर दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिए। तो गाइस अभी हम अंदर जाएंगे क्योंकि हमने एक तो परमिशन लिया नहीं इनसे, बस वैसे ही पूछ के आ गए। और हम जाके हमें गुरु जी के चरणों को भी मतलब स्पर्श करना होगा। पहले हम प्रभु की आराधना कर लेते हैं, प्रभु को प्रणाम देते हैं, उसके बाद जाके हम गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम भी देंगे। हम अभी अंदर भी जाएंगे। अभी छोड़, ये देखिए मच्छर को देख सकते हैं, मच्छर को। ये क्या, गुरु जी को परमिशन भी लेना हुआ ही नहीं परमिशन, पर प्रभु की चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगा रहा है माला जाप करते करते। और ये गुरु जी यहाँ के बाहर कुछ मंत्र पाठ कर रहा है। तो गाइस बहुत मुश्किल से हमने परमिशन ले लिया है कि अंदर के दोस्तों यानी कि जो भगवान का मूर्तियाँ वगैरह है यहाँ पर, विग्रह वगैरह है, यानी कि इन सब का हम यहाँ पर दोस्तों जो है वीडियो कर सकते हैं, यहाँ पर इनका फोटेज ले सकते हैं। बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जैसे विष्णु भगवान के सारे अवतार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोनों तरफ आपको गरुड़ देवता और हनुमान जी भी मिलेंगे रक्षक के तौर पर। इन्हें रक्षक रखा गया है, देख सकते हैं। ऊपर श्री कृष्णा और राधा है और नीचे बहुत सारे गोपाल वगैरह मतलब गोपाल भगवान की मूर्त देख सकते हैं। बहुत सारे मूर्त है गोपाल भगवान की। और वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर गोपाल भगवान को दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत मधुर है, बहुत मनमोहक। और देख सकते हैं ये लोग प्रदक्षिण करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी अब प्रदक्षिण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। देख सकते हैं इनके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, दौड़ लेता हूँ इनके पीछे पीछे प्रदक्षिण करने के लिए। तो गाइस इस मतलब इस जो आश्रम है, इस आश्रम का एक मान्यता है, इस आश्रम का दोस्तों भगवान की जो यहाँ पर दोस्तों विग्रह रखा हुआ है, इसका मतलब सात बार आप ये का प्रदर्शन कर लेते हैं तो आपको दोस्तों मन चाहे मतलब जो भी आपकी ख्वाहिश है मन में वो आपको भगवान के पास बताना नहीं पड़ेगा दोस्तों, वो अपने आप भगवान के यहाँ पर पहुँच जाएगा दोस्तों, डेटा केबल की तरह दोस्तों। आपको कोई वायर नहीं लगेगा, सीधे भगवान के पास डायरेक्ट पहुँच जाएगा आपके मन में। ये देखिए लिखा भी हुआ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये सब लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मंत्र वगैरह सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ श्री कृष्ण का दोस्तों महिमा लिखा हुआ है यहाँ पर। और वैसे भी क्यों ना करें, विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टिकर्ता है श्री कृष्ण, विष्णु जी का अवतारित रूप। और देख सकते हैं मंदिर बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर है। अगर आप कोई आते हैं इस मंदिर पर तो आप लोगों को पता चलता है, मतलब इतना सुंदर है। देख सकते हैं उनके गुरु जी और सब मतलब जितने भी बड़े हैं यहाँ पर, सबका दोस्त यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है देखिए। और सीसीटीवी मतलब फोटेज भी मतलब सीसीटीवी के जोन में कवर अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ का जो मतलब गुरु जी है वो हमें परमिशन देने नहीं वाले थे। बहुत मुश्किल से परमिशन लेकर मतलब लेना पड़ा है क्योंकि तीन चार बार यहाँ पर चोरी हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे नाम और हमारे मतलब परिवार के नाम सब कुछ एंट्री करने के बाद उसके बाद ही हमें यहाँ पर ब्लॉग्स बनाने का, अगर कुछ हुआ तो हमें मतलब बुलाएगा यहाँ पर। तो देख सकते कितना मधुर है जो मूर्त है यहाँ पर राधा कृष्ण, वहाँ पर नीचे दोस्तों गुरु जी का जो मूर्त है वहाँ पर वो देख सकते हैं। यहाँ पर गरुड़ देवता और हनुमान जी भी है दोनों तरफ, उसके बाद गोपाल भगवान भी है यहाँ पर। और अंदर दोस्तों यहाँ पर जो कांच का जो बहुत मतलब बहुत मोटे दरवाजे है क्योंकि यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करते है दुष्ट लोग। ये दुष्ट यहाँ से बहुत बार चोरी करने की प्रयास कर चुके, पर भगवान ने हर वक्त कोई ना कोई चमत्कार दिखा के दोस्तों अपने आप को रक्षा कर लिया अपनी मूर्तियों को, ताकि भगवान के भरोसा इंसानों के बीच में से ना हटे। जय 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 श्री राधे। तो गाइस देख सकते हैं हम गोपाल भगवान को झूला झूला रहे हैं, देख सकते हैं। अगर इस आश्रम पर कोई आओ तो
ये करना ज़रूर से, क्योंकि भगवान को झूला झुलाने में बहुत पुण्य मिलेगा, आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। तो गाइस मंदिर पर मतलब आश्रम पर आए हैं और घंटी ना बजाए, ऐसा हो सकता है तो हम घंटी बजा देते, देख सकते। तो गाइस देख सकते भगवान श्री कृष्ण का सारे लीला यहाँ पर दीवार पर दोस्तों लगाया गया है, देख सकते। मटकी से माखन चुराना, उसके बाद कालिया नाक के सिर पे मर्दन, उसके बाद गोपियों के कपड़े चुराना। गाइस मेरे पीछे देख सकते, ये देखिए मेरे पीछे देख सकते। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।